Economists believe that India should spend at least 6% of its GDP on education. For achieving desired results, justify the statement with a valid reason. ठीक है, लिखेंगे आंसर। इस आंसर को कई अप्रोच से लिखा जा सकता है, टू द पॉइंट प्लस इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन बता सकते हैं, इंडिया का डेमोक्रेटिक सेटअप बता सकते हैं, इंडिया की डाइवर्सिटी को बता सकते हैं। ठीक है, एंड देन यू कैन कम टू द पॉइंट, इट शुड बी द इंप्रेसिव आंसर। ओके, हम टू द पॉइंट बस सिखा रहे हैं, आप इंट्रोडक्शन पॉइंट जो मैंने बोला उसको ऐड करना चाहें तो ऐड कर लेंगे, अच्छा रहे। चलिए लिखेंगे, द गिवन स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट। The given statement is appropriate as it was recommended by the Education Commission of 1964-66। ठीक है, एजुकेशन कमीशन बना था 1964, डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू 1964 में, 62 में चाइना का वॉर हुआ, ऐसे याद कर सकते हो डेट। 64 में एजुकेशन कमीशन बना, डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 66 भी याद रख सकते हो, डेथ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री एट तास्कल, दैट टाइम USSR। तो ऐसे बहुत सारे डेट्स आप याद कर सकते हो बड़े आराम से। और जैसे 1889, 100 साल बाद मैंने हाई स्कूल किया था। ठीक है, 1889 हिटलर का जन्म हुआ था, 1889 विंस्टन चर्चिल का जन्म हुआ था। ठीक है, 1889 जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। ठीक है, 1887 दो साल पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना। तो ऐसे करके आप बहुत सारे डेट्स को आप याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हर आदमी, अगर आप कभी फैमिली फोटोग्राफ देखो तो सबसे पहले क्या ढूंढते हो, मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ, है ना। बोलो भाई, अपने दोस्तों के फोटोग्राफ देखते हो तो पहले क्या देखते हो, मैं कैसा दिख रहा हूँ, देखते हो या नहीं देखते हो, बोलो भाई। ये होता है ह्यूमन टेंडेंसी है, इसको कहते हैं सेंस ऑफ एसोसिएशन। तो आप अपने आप से सबको जोड़ दोगे तब भी याद हो जाएगा। 23 अप्रैल माई बर्थडे, 23 अप्रैल शेक्सपियर का बर्थडे। ठीक है, 23 अप्रैल वर्ल्ड बुक डे, उससे एक दिन बाद सचिन तेंदुलकर का बर्थडे। ये क्या है, मैंने अपने आप अपना बर्थडे कोई नहीं भूलता है, गॉट अ माइंड। तो इस तरीके से बहुत सारे डेट्स को याद रखा जा सकता है, इसलिए मुझे बहुत सारे डेट याद रहते हैं। मैंने आपसे कभी चर्चा किया होगा, मेरा मोबाइल नंबर बेंगलोर का मोबाइल नंबर था एक मेरा, 9945474250। अब देखो इस नंबर में सबको सराहना लगता है, लेकिन मेरी आदत हो गई है ढूंढने की। तो 99 कारगिल वॉर, 45 एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 9945474 इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, 42 क्विट इंडिया मूवमेंट, 50 इंडिया बिकम रिपब्लिक। तो आप अपनी चीज़ों को स्पेशल बना सकते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, अपनी चीज़ों को आप स्पेशल बना सकते हो। तो ये नंबर जो है मोबाइल नंबर पहले बहुत कॉमन लगता था, लेकिन अब क्या लग रहा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लग रहा है। ठीक है, तो ब्यूटी लाइज इन व्यूअर्स आईज, इसलिए कहा गया है ब्यूटी लाइज इन व्यूअर्स आईज। ठीक है, सब लोग ब्यूटी पर ही मत ध्यान देना, है ना, व्यूअर्स आईज पर भी ध्यान देना। चलो लिखेंगे, द गिवन स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट एज इट वॉज रिकमेंडेड बाय द एजुकेशन कमीशन ऑफ 1964-66, कोठारी आयोग कहते हैं उसको। The government is spending 4% approximately. Government कितना खर्च कर रही है? Approximately
4%, वो बजट टू बजट थोड़ा बहुत वेरी हो जाता है, इसलिए अप्रोक्सीमेटली लिखना ज़्यादा सही होता है। द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग 4% अप्रोक्सीमेटली, ब्रैकेट में लिख देना अप्रोक्सीमेटली को, ऑफ GDP ऑन एजुकेशन। द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग 4% ऑफ GDP ऑन एजुकेशन कॉमा विच इज क्वाइट इनएडिक्वेट। फुल स्टॉप, क्वाइट इनएडिक्वेट। ठीक है, एजुकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एजुकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एजुकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द एवेलेबिलिटी ऑफ एज इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द एवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड एंड एजुकेटेड लेबर फोर्स। स्किल्ड एंड एजुकेटेड लेबर फोर्स, availability of skilled and educated labor force in the country which may result in greater production and economic growth। ठीक है, ठीक है, फुल स्टॉप। लुकिंग इनटू India's diversity, it appears as a must act। ठीक है, और सारे पॉइंट्स को अंडरलाइन करने का प्रयास, हमेशा अपने आंसर्स को बोर्ड एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में, देखो बोर्ड एग्ज़ाम में ऑल ऑफ सडन आप अंडरलाइन करने की हैबिट नहीं डेवलप कर पाओगे कि बोर्ड एग्ज़ाम में गए और अंडरलाइन करने का भी एक हैबिट होता है। अगर आप शुरू से अंडरलाइन करने की हैबिट बना लिया आपने, तभी आप बोर्ड एग्ज़ाम में भी अंडरलाइन कर पाओगे। ठीक है, इसलिए हर एग्ज़ाम में अंडरलाइन कीजिए। अभी 3-4 एग्ज़ाम बचे हुए हैं, हाँ, तो उसमें आप दो आपको प्री बोर्ड ही मिल जाएगा, तो आप उसको अंडरलाइन करने का प्रयास कीजिए। ठीक है ना, चलिए।